तो बच्चों मुझे ये बताओ। हाँ भाई क्लास, भाई सुनो, हम लोग अभी डिटरमिनेंट चैप्टर कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स के अंदर आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। चलिए, सो डिटरमिनेंट्स के अंदर अब तक हमने क्या क्या करा है बच्चों? 4.1 एक्सरसाइज इज जस्ट अबाउट द बेसिक डिटरमिनेंट, कि भैया डिटरमिनेंट निकलता कैसे, याद आ रहा है? 4.2 इज अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप लोगों ने अटेंड करी तो आपको पता है, नहीं अटेंड करी तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इससे। और जो तीसरी एक्सरसाइज आती है बच्चों, वो हमें सिखाती है माइनर एंड, क्या तुम लोगों को लास्ट क्लास माइनर्स एंड कोफैक्टर सबको समझ में आ गए थे? तो मैंने ने तीन क्लासेस कराई हैं, लेकिन किसी ने अगर लास्ट क्लास भी अटेंड करी है सिर्फ, मतलब क्लास तो मैंने दो ही ली है अब तक, एक में पहली दो एक्सरसाइज हुई थी और एक में तीसरी एक्सरसाइज हुई थी, तो किसी ने अगर सिर्फ लास्ट वाली क्लास भी ली है ना, जिसको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना आता है और माइनर कोफैक्टर पता है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी आज की क्लास में भी। अब वो आप देख लीजिए, लगभग सभी ने ली क्लास लास्ट वाली, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अब तक एक भी क्लास ना ली डिटरमिनेंट की, है कोई बच्चा? सबने ली है, बस फिर ठीक है, फिर तो सबको समझ में आएगा फिर तो। अब आते हैं बच्चों 4.4 एक्सरसाइज पे, क्योंकि हमारी टोटल एक्सरसाइज की संख्या 5 है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हम सीखेंगे व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है एंड उसका इनवर्स क्या होता है। सो गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे हम इस चैप्टर की अब आ चुके हैं। मैं ये मान के चलता हूं अब तक तुम्हें दो चीजें बड़े अच्छे से आती हैं, तुम्हें किसी भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट निकालना आता है, सेकेंडली तुम्हें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने आते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज एडजॉइंट कैसे निकलता है और इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है? सीखें इस बात को और फिर उस इनवर्स का मतलब भी बताऊंगा, वो इनवर्स होता क्या है। करें शुरू, आ जाओ। अब मेरे पास मान लो एक ए मैट्रिक्स है और आप लोगों को मैट्रिक्स दी हुई है 2, 1, 4, 3, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई है, क्लियर? ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और मुझे बोला गया कि भाई इसके माइनर्स निकालो, आते हैं निकालने, कोफैक्टर्स निकालो, आते हैं निकालने, डिटरमिनेंट निकालो, आता है निकालना। तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता? आता है ना तीनों? मैं कह रहा हूँ आता आता है, तुम कह रहे नहीं आता नहीं आता, तीनों चीज बताए ना कैसे करनी है। अब इसके बाद एडजॉइंट की बात करते हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकालना है और इनवर्स कैसे निकालना है, आइए समझते हैं। तो पहले बच्चों देखो क्या है, आपको माइनर निकालने आने चाहिए, सब बच्चे माइनर निकालेंगे इसके, तो M11, M12, M21 और M22। चलो बोलो, पहले वाले का माइनर कितना आएगा? 4। अगले वाले का? 3। बहुत अच्छे, इसका इसका, चलो ये तो आता तुम लोगों को। अगर मैं कोवेक्टर की बात करूं तो चलो ये भी आता है, 4 -3 -1 2, बहुत अच्छे। साइन किसका चेंज होगा आपको पता है, पता है ना? अब करना क्या है, अब असली बात सुनो बच्चों, जब तुम्हें एडजॉइंट निकालना होता है ना किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो जब तुम लिखोगे इसको एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है, आपके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगी। कोफैक्टर से मतलब जैसे A11 है ना, तो कोफैक्टर डाल दो यहाँ पर, फिर A12 -3 है तो यहाँ पर डाल दो -3। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओ -1 एंड 2, और बच्चों इसका कर दो ट्रांसपोज, इसका क्या कर दो, बस कुछ नहीं करना, एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कितना है बोलो? 4 -3, ट्रांसपोज करना सबको आता है, -1 और 2, तो ये बोलो क्या आ गया? एडजॉइंट। तो जो नई चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बच्चों, एडजॉइंट, वो भी निकलना आ गया भैया। एडजॉइंट कुछ नहीं है, जिसको माइनर आता है, कोफैक्टर आता है, उसको कोफैक्टर से बनाई हुई मैट्रिक्स का बस ट्रांसपोज करना है, दिस विल गिव यू द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इज दिस फाइन? अभी लेकिन बात वही है सर, ये सब क्यों सीख रहे हैं? एडजॉइंट है, इनवर्स है, आप सिखाए जा रहे हो, सिखाए जा रहे हो। मैंने क्या बोला, 4.5 में इन सभी बातों के जवाब मिलने वाले, क्यों सीख रहे हैं ये चीजें, ठीक है? तो एक क्लास का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद तो जवाब मिल ही जाएगा इस बात का, लेकिन अभी सीखेंगे बच्चों। तो हमने सीखा एडजॉइंट निकालना, अब सीखते हैं इनवर्स निकालना। अभी इनवर्स क्या होती है, तो बच्चों ए इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बस इतना ही होता है। अब मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा बताओ जरा, इसका इसका एडमिनेंट आता है? तो 2 × 4 कितना आएगा? 8। 3 × 1 आएगा 3, बोलो कितना आएगा? 5। तो मेरा ए डिटरमिनेंट तो है 5 और एडजॉइंट ऑफ ए मेरा आ चुका है ऑलरेडी, बोलो कितना? 4 -1 -3 और 2। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दोगे, आंसर बोलो कितना आ गया? वैसे तो आप लोग ऊपर छोड़ सकते हो, ऊपर पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि इनवर्स एक, इधर विवेश,
इनवर्स भी एक तरह की मैट्रिक्स ही होती है, और वो कितना आंसर आएगा अगर एग्जैक्ट लिखना चाहो तो, 4/5 माइनस का 1/5 माइनस का 3/5 और बच्चों कितना 2/5, ये आ गया बच्चों इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स। लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम लोगों को इनवर्स का मतलब भी पता होना चाहिए। अभी इनवर्स होता क्या है तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आपने छोटी क्लास में भी इनवर्स सीखे थे। जैसे कि कोई आपको बोलता है 7 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो क्या होता है, 1/7, तो आप ढूंढते थे कि 7 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया रहेगा आंसर 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे 1/7। 7 का इनवर्स क्या होता है, 1/7। ऐसे में अगर पूछू कि बताओ 8 का इनवर्स क्या होगा, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 आ जाए, तो 1/8। अच्छा मैं पूछू 1/8 का इनवर्स क्या होगा, तो 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 आ जाए, तो मैं बोलूंगा 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 8 का इनवर्स 1/8 और 1/8 का इनवर्स 8, 7 का इनवर्स 1/7, माइनस 7 का इनवर्स -1/7, इज दिस क्लियर? उल्टा कर देना है बस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ इनवर्स का मतलब क्या होता है। नंबर्स में जो इनवर्स का मतलब सीखा था वो क्लियर था कि आप एक नंबर का जब इनवर्स ढूंढने जाते थे तो आप ढूंढते थे कि मैं उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, वही नंबर उसका बोलो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? चलो नहीं क्लियर है, ठीक। अब मैं तुम लोगों को इसको मैट्रिसेस की टर्म्स में समझाता हूँ। तो जब मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढ रहा होता ना, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, मैं कोशिश कर रहा होता कि मैं ये ढूंढ लूँ कि मैं इस ए मैट्रिक्स को किस बनाना मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए। क्या आ जाए बोलो, 1। लेकिन आप कहेंगे सर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से, 1 तो नंबर है सर, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हमारी मैट्रिक्स सिस्टम में 1 का काम कौन प्ले करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों भाई 1 का काम प्ले करता है? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है। बोला है कि नहीं? ऐसा नंबर सिस्टम में कौन करता है? 1 करता है। 1 ऐसा नंबर सिस्टम में करता है कि 5 × 1 करोगे 1 है, 5 आएगा, 6 × 1 करोगे 6 आएगा। ऐसा मैट्रिक्स में कौन करता है कि मैं किसी ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए ही आ जाए? तो ऐसा करती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन करती है बोलो? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मैट्रिक्स सिस्टम में 1 की तरह काम करती है। किसी तरह काम करती है? 1 की तरह। तो मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरी मैट्रिक्स के साथ में किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए, यानी बोलो कौन आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो बच्चों ये गारंटी है कि जो तुमने इनवर्स निकाला है ना, जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? बस कोशिश यही है, व्हाट इज द इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? तो हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिससे अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें इसका इसमें पेपर में कुछ नहीं पूछने वाला तुमसे इन चीजों को लेके, पेपर में तो ये आता है, लेकिन मेरा मानना है तुम्हें पता हो कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे 7 का इनवर्स 1/7 क्यों है? क्योंकि आप बोलेंगे कि इनवर्स का मतलब ही होता है कि 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 आ जाए, तो आप बोले 1/7। तो मैट्रिसेस में भी ये होता है कि मैट्रिसेस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो मैंने कहा ये वो मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, इस बात को प्रूव करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या थी बोलो, 2, 1, 3, 4। सब बच्चे इसके इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करो, 4/5 -1/5। लेकिन बच्चों तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आती है ना, कहीं मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बहुत भारी भरकम बात, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं आती, ऐसा तो नहीं है ना? बोलो कैसे करेंगे? पहली रो इनटू पहला कॉलम, बोलो क्या आएगा? 2 को करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 8/5 प्लस में कितना आएगा? 1 × 10 तो माइनस का 3/5। सही है। अगला बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो कितना आएगा? माइनस का 2/5, और फिर इससे करेंगे तो आएगा प्लस का 2/5। फिर बोलो अगला कितना आएगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम, सो ये आएगा 12/5, और ये वाला आएगा बच्चों माइनस का 12/5। इज दिस फाइन? अरे सही है। अगला वाला दिस रोड दिस, तो माइनस का 3/5, और ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 8/5। अब इतना कैलकुलेशन तुम लोगों को आता है, 8/5 माइनस 3/5 5/5 है, 5/5 कितना 1, फिर 2 0, फिर 0, और फिर कौन सी मैट्रिक्स आ गया? तो आपने उस मैट्रिक्स की एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ ली जिससे मल्टीप्लाई करने में बोलो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनवर्स का मतलब ये होता है। सो आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें इनवर्स निकालना सीखना है। सर इनवर्स कैसे निकलेगा? इनवर्स अगर निकालना है ना तो मुझे सब कुछ आना चाहिए, मुझे डिटरमिनेंट निकालना भी आना चाहिए, मुझे माइनर भी आना चाहिए, मुझे कोफैक्टर भी आना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर के जरिए बोलो क्या बनेगी? एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी, मुझे ट्रांसपोज भी आना चाहिए, तब जाके इनवर्स तक पहुंचूंगा। सो दोबारा से एक बार क्लियर करते हैं, और आप लोग फिर एक काम करेंगे जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी करना क्या आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स मिलता है उसका माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर निकालना आ गया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज करेंगे, बोलो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। जैसे एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से, आपका आंसर आ जाएगा इनवर्स का। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आ गया या नहीं आया? एक कुछ नहीं करना, 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, तुम लोगों को क्या निकालना है? उसका इनवर्स निकालना है, सिर्फ इनवर्स निकाल दो। दिखाना एक बार, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इनवर्स निकाल दो।
सभी निकालना पड़ेगा, भले ही मैं सिर्फ इनवर्स बोलूं लेकिन निकालना सब कुछ पड़ेगा। चलो अगले पे लिख देता हूं। सो यू हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स चलो कर दो। Thank you.
ये तो चलने दो परसों देख मामा तो छुट्टी मत करना वैसे वो भी कोई भी अंदर नहीं वहाँ चेहरे में जीरा तुम छुट्टी करने वाले छुट्टी करें तो सबके फॉर्म सबमिट करना है फॉर्म जो वो एड्रेस है एड्रेस लगा के यहाँ से गाड़ी लेके लोगों से क्यों करो तो हम लोग आज भी आ गए अपने रिश्ता में ये काम परसों मत कर परसों जो है उसको ग्रुप में डाल दूंगा जी जो सबसे मिलो पता है find the inverse of the matrix A. इस matrix का भी inverse लगा। कर पाए सब कुछ? match करा भी चीज़ answer। comment। लक्ष्य। परसों आया था लक्ष्य। स्कूल में कितना हो गया? हो गया पूरा? स्कूल वाला कौन बाजार देंगे छुट्टियों में? छुट्टियों में स्कूल वाला तो बहुत आगे चल जाएगा। इसे कोरोना प्लान में पता लग गया बच्चों की छुट्टी देना बेकार है उनको जल्दी आज लग चुकी कोरोना टाइम में कि तो उसको पता हमारे टाइम में पता है दो महीने की छुट्टी होती है उनको पता था कैसे पढ़ लेंगे उनको तीन महीने की छुट्टी दे दो और उन्हें पता है तुम लोगों को छुट्टी दे दी जैसे छुट्टियां पड़नी होती है पांच दिन पहले तुम जाना बंद कर दोगे पांच दिन बाद अगली बात करें ना बढ़िया दूसरी जो नहीं बात करते ना ये तो आसान सी चीज है।
तुम सब बच्चे मुझे ये बताओ हो गया था इसमें। अरे किसी को डाउट है तो बता दो, शर्म आना नहीं इसमें। अरे सभी बोल रहे हैं सबका हो गया, मैं कैसे बोल दूं मेरा नहीं हो रहा। सबका हो रहा है ना भाई आंसर, किसी को डाउट है तो बताओ। कनिष्का पीछे, नाजिया हो गया, आज वो कहाँ है? कशिश छुट्टी पे। चलो तो मुझे बताओ बच्चों, जब ये तरह का क्वेश्चन हो सकता है तो अब सब बच्चे अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.4 हमें आज खत्म करनी है। एक्सरसाइज 4.4, तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन में बोला है एडजॉइंट निकालना है। यार जब तुम्हें इनवर्स निकालना आ गया तो एडजॉइंट तो आ गया ना, तो इसका पहला दूसरा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर ध्यान से सुनो तो तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में देखो क्या है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन में से मैं आपको एक क्वेश्चन का पार्ट बता देता हूँ, जरा फोकस करिएगा सब बच्चे। इनवर्स तो आप लोग इसका आप निकाल ही लेंगे, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम एक बार रुक करते हैं। तो आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को वेरीफाई करना है, तुम लोगों को वेरीफाई करना है कि जो ए मैट्रिक्स है जब मैं उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा, मतलब वो चीज बराबर आएगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए के, और वो बराबर आएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये सब चीजें बराबर होती है, तो आपको प्रूव करना है बस कि बराबर होती है। तो मैं तुम्हें वैसे करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। पहला क्वेश्चन एडजॉइंट वाला तो कर लोगे ना, और मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे बनाया है इन्होंने। एक बार देखिए जरा, आप मुझे सब बच्चे बताओ तुम्हें इनवर्स का क्या फॉर्मूला पता है। वन बाई में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। है भाई विवेश पक्का? अब मुझे तुम ये बताओ तुम इनवर्स की डेफिनेशन क्या जानते हो। तुम ये जानते हो कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बोलो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सोनिका, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं उसके इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, सोच के बताओ। उसके इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई बाई में, अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। हालांकि थोड़ा सा डिवीजन में लिखना सही नहीं रहता, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बन कैसे सकते हैं वो चीज। तो आई बाई ए बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और मुझे बताओ उस आधार पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये ए इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो बोलो क्या बनेगा? ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए इंटू में बोलो क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। तो वही तो बोल रहे हैं, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या? बोलो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बोलो क्या? ए डिटर्मिनेंट इंटू में बोलो क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दिस फाइन और नॉट? सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं। कहीं का नहीं है बस, मुझे है ना, सिंपल सी चीज है, मैंने कुछ नहीं कराया, वहां पर फॉर्मूला ऐसे बनाया। और यहाँ पर अभी आपको वैसे प्रूव करने को थोड़ा ना कोई बोलने वाला कुछ भी, तुम लोगों को तो बस उसने क्या बोला है जरा बताओ। उसने तो बोला है मुझे बस इस मैट्रिक्स के लेने ऊपर वाली बातें सारी साबित करके दिखा दो, 2, 3, -4 और -6। तो मैंने क्या करा फटाफट सुनो, मैंने पहले चारों माइनर निकाले, मैंने चारों को फैक्टर्स निकाले। अरे A21, A22। अब मैंने क्या करा बोलो, इसका आंसर कितना आएगा? -6। इसका कितना आएगा? -4। इसका कितना आएगा? 3। इसका कितना आएगा? 2। फिर आए कोफैक्टर्स पे, इसका कोफैक्टर बोलो कितना आएगा? -6। इसका हो जाएगा 4। इसका -3। इसका 2। कोई दिक्कत है आगे सबके कोफैक्टर्स भी? ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, ये कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तो एडजॉइंट कितना आएगा? एडजॉइंट कितना आएगा? तो एडजॉइंट आएगा -6, 4, -3 और 2 ट्रांसपोज। तो मेरे एडजॉइंट मैट्रिक्स कितनी आ गई? -6, 4, -3 और 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है मेरा, ए मेरे पास ऑलरेडी है, अब काम शुरू कर दो बच्चों। तो पहले मैंने कैलकुलेट करा ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो बोलो ए मैट्रिक्स बोलो कितना है? 2, 3, -4 और -6, और मल्टीप्लाई में डालूंगा एडजॉइंट, तो ये आएगा -6, -3 और 2 और 4। जरा बताना फटाफट से कितना आंसर आने वाला है बच्चों? दिस रो इनटू दिस कॉलम, तो बोलो कितना आएगा? बोलो -12। डायरेक्ट कर दूं? देख रहे हो -12 + 12, ये तो 0 बन रहा है वैसे। दिस रो इनटू दिस कितना आएगा? बोलो -6 + 6, ये भी 0 है, ये सब 0 है। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊं अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए निकालूं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर बात एक ही तो है, लेकिन तुमने शायद ढंग से पढ़ा नहीं है। मैट्रिक्स में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, मतलब ए इनटू बी और b into a जरूरी नहीं है बराबर हो, आ भी सकता है और नहीं भी। तो ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, कि अगर मैं इसको पहले रख दूंगा इसको बाद में रख दूंगा जरूरी नहीं आंसर सेम आए, लेकिन इस केस में आंसर सेम आता है। तो बोलो कितना आएगा? एडजॉइंट हमारा कितना है? बोलो एडजॉइंट है -6, -3 और 4 और 2, और ए मैट्रिक्स है मेरा 2, 3, -4 और -6। आप करके देख लीजिए, -12 और +12 बेसिकली 0, 0, 0, 0 बराबर आ रहा है। एंड लास्ट चीज है ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। What is your A determinant? फटाफट बताओ। तो -12
और फिर मैं करूंगा माइनस में, तो वो माइनस 12 ही है, तो वो प्लस 12 हो जाएगा, एडमिट 0 है, समझे नहीं क्या हुआ? अरे निकाल लो उसका एडमिट, 0 ही आ रहा है, 12 माइनस 12 तो बोलो कितना आएगा, बेसिकली 0 आ रहा है, और ये बोलो आई कितना है, 1001, बोलो आंसर कितना आ रहा है, 0000, इन सबसे प्रूव होता है कि ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज सबके लोग आता है, बराबर आता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि 0000 आएगा, आप दूसरे वाले पार्ट के लिए करेंगे ना तो ये 0000 नहीं, कुछ और मैट्रिक्स बन के आएगी, लेकिन इस केस में भी वही मैट्रिक्स बनेगी और इस केस में भी वही मैट्रिक्स बनेगी। ये कैसे करना है सॉल्व, ए डिटरमिनेंट निकालना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल सेम आंसर आने लग जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? ईजी है बहुत ज्यादा ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, सब बच्चे पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, दस तक आप देख लीजिए, दस तक इनवर्स निकालना है। ग्यारहवीं में भी इनवर्स ही निकालना है, वैसे ग्यारहवां मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ग्यारहवां आप ट्राई करें जल्दी से, भी अभी करेंगे ट्राई आप लोग। ग्यारहवां क्वेश्चन तुमसे ही करवाऊंगा सारे काम इसमें, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। ग्यारहवां क्वेश्चन जल्दी भी करना, 5 मिनट लगाना बस। एक ए मैट्रिक्स है 100, घबराना मत ही, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कर दो जल्दी से। Thank you.
हमें बस ए बी मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालना है इनवर्स।
कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, नल मैट्रिक्स कितना है,
इनवर्स बराबर में नंबर मैट्रिक्स। अब 11A इनवर्स को करो इधर, बाकी सबको ले जाओ उधर, तो 6A को लिख देना जाके प्लस का, बाकी a स्क्वायर माइनस का, बाकी 5i माइनस का। एंड आई रिकमेंड कि आपको अभी मत ले जाइए नीचे, वो बेवजह मेरा करना भी बात है। आप 11A इनवर्स निकाल लीजिए पहले सारा का सारा। कैसे निकालोगे ब्रो? 6a बोलो कैसे? अरे ये मैट्रिक्स है तो क्या तुमने जब a क्यूब निकाला होगा तो क्या a स्क्वायर में निकाला होगा? क्या तुमने जब, ये तो पहले से पता है, जब ये सारा सॉल्व हो के एक मैट्रिक्स आ जाए फिर तुम क्या करना? 11 इनवर्स था ना, तो उस 11 को बाहर ले आना, अब नीचे ले आना, तो 1/11 * 3 बार-बार वो 11 नहीं लिखना पड़ेगा, उसको रख के a इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके जल्दी इनवर्स आता ही नहीं आता, क्योंकि इसमें ना मुझे माइनस निकालने पड़ रहे, ना कोफैक्टर्स निकालने पड़ रहे, ना एडजॉइंट निकालने पड़ रहे, बात का सारा झमेला खत्म हो गया। सीधा इक्वेशन दीजिए, वहां से एक फार्मूला सा क्रिएट करा और जल्दी से वैल्यूज पुट करेंगे, इससे पहले मैं सब निकाल चुका हूं, ये स्क्वायर ये सारी नंबर्स निकाल चुका हूं, तो मुझे बताओ यार क्वेश्चन बन पाएगा नहीं बन पाएगा? पक्की बात है। देखो पूरी एक्सरसाइज लगभग लगभग खत्म होती है, एक क्वेश्चन बीच में नहीं कराया। कौन सा वाला? मैंने ना एक्सरसाइज में से, बच्चों फोकस करेंगे, एक्सरसाइज में से 14 क्वेश्चन नहीं कराया है। आप लोग 14 को भी होल्ड कर दीजिए, 17 और 18 को होल्ड कर दीजिए, 17 और 18 मतलब 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन होल्ड कर दिए? 3 बचे, कितने क्वेश्चन हैं जो बाकी के सारे वाला मैं करवा दी। मेन हमने आज सीखा है इनवर्स निकालना, और मेरा बस तुम लोगों से क्या कहना, तो 15 और 16 क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे। अब ये मत कहना सर जब टेस्ट है हम लोग ये पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे, तुम ऐसा तो है नहीं कि अभी जाओ तुम दिन रात लगे रहोगे सीखने में, है ना? इसके लिए करने के लिए मुश्किल से 20 मिनट चाहिए, 10 मिनट 15वें क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट 100वें क्वेश्चन के लिए, तो ये 20 मिनट आपको निकाल के क्वेश्चन जरूर करने। नेक्स्ट टाइम मैं होमवर्क चेक करूंगा कि तुमने ये काम कराया कि नहीं, और तुम्हें लगे तो 14 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो एज ऑफ योर चॉइस, अदरवाइज बाकी का जरूर कर। समझ में आ गया मामला? वीडियो ग्रुप में आ जाएगा वीडियो, ठीक है? लाइक लगाना चल कुछ तो आया होगा ना, ये तो चालू है।